हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज के वीडियो में हम कप लगाकर ब्लाउज की स्टिचिंग करना सीखेंगे कि आप ब्लाउज में सिंपल प्लेन ब्लाउज में आप कप्स कैसे लगा सकते हैं अगर आपको इसकी कटिंग देखनी है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इसकी कटिंग बहुत ही सिंपल जैसे हम नॉर्मल अपने ब्लाउजेस की कटिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने इसकी कटिंग कर ली है बट इसमें जो टक्स वगैरह के या फिर प्लेट वगैरह के हम निशान लगाते हैं वो हमें इसमें नहीं लगाने इसमें केवल एक ही टक का निशान लगता है जो कि हमारे इस वाले पार्ट पर आती है तो अभी हमने वो भी नहीं लगाया बट अभी मैं आपको लगा के दिखाऊंगी कि आपको कहाँ पर कैसे प्लेट के लिए निशान लगाना है ब्लाउज का साइज तैयार रखना है वो थर्टी सिक्स है तो यहाँ परिफोन पर पर या फिर जॉर्जेट की साड़ी का ब्लाउज है तो उसमें आपको जो अस्तर कटिंग करना है वो डबल में कट करना है वरना ये वाला जो पार्टन है ये झलकेगा ऊपर से आपका जो आप कप लगाएंगे वो ऊपर से झलकेगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा तो हमेशा अगर आप कोई पतला कपड़ा लगा रहे हैं तो आपको डबल लेयर में ये लाइनिंग की कटिंग करनी है तो देखिए यहाँ पर हमारा ये मोटा कपड़ा है इसलिए मैंने ये सिंगल लाइनिंग की कटिंग करी है अब यहाँ पर अभी हमने कोई प्लेट का निशान नहीं लगाया तो सबसे पहले इसको हम बिल्कुल बीचों बीच में से फोल्ड करेंगे देखिए ये लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसमें जब हम प्लेट का निशान लगाएंगे वो केवल एक ही निशान आपको लगाना है तो ऊपर से जो आपका टॉप वाला पार्ट है ये कंधे यानी कि शोल्डर वाले पार्ट से आपको इस तरीके से इंच टेप रखना है तो यहाँ पर देखिए छत्तीस इंच का हमें ब्लाउज बनाना है तैयार तो उसका एक चौथाई करेंगे तो हमारे पास आएगा करीब नौ इंच तो यहाँ पर हम बस्ट पॉइंट के लिए नौ इंच पर निशान लगाएंगे इसमें हम आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे साढ़े नौ इंच पर एक निशान लगाएंगे देखिए इस तरीके से और अंदर की साइड से हम करीब चार इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे और इस निशान से आपको करीब एक इंच या फिर डेढ़ इंच छोड़ देना होता है बट यहाँ पर हम कप्स अटैच कर रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पर एक इंच ही यहाँ पर छोड़ रही हूँ इसके नीचे से हमें बिल्कुल सीधी एक लाइन बनानी है और इसको हम नाप लेंगे कि यह हमारा चार इंच पर आ रहा है या नहीं पूरी लाइन और यहाँ तक हमें टक्स बनाने हैं और ऐसे ही निशान हमें पीछे वाली साइड पर यानी कि इसके इस वाली साइड पर भी लगाना है जिससे कि दोनों साइड्स पर हम बिल्कुल बराबर एग्जैक्टली प्लेट्स बना पाएं और यहाँ पे भी बिल्कुल जो हमारा मेन फैब्रिक है इसपे भी हमें बिल्कुल सेम रखते हुए ही इसको प्लेट बनाना है और देखे यहाँ पर एक चीज मैंने आपको नहीं बताई कि हमें अपना जो हम कप्स लगाएंगे ये वाले कप्स आपको इसके यहां से आपको कितनी दूरी रखनी होती है दोनों कप्स में यहाँ पर आपको कितनी दूरी रखनी होती है मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आप बैकलेस ब्लाउज पैडेड बैकलेस ब्लाउज कैसे बना सकते हैं तो उसमें मैंने ये वाला चीज़ मेंशन नहीं किया था तो काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि हमें इसकी दूरी कितनी रखनी है यानी कि दोनों कप्स के बीच में यहाँ पर हमें कितनी दूरी रखनी है तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ इसके बीच में हमें केवल और केवल एक इंच की दूरी रखनी होती है ये देखें इस तरीके से यहाँ पर हमने निशान लगा लिया अब जो हमारा कप लगेगा वो बिल्कुल ऐसे आएगा ये देखें इस तरीके से दोनों साइड्स पर अब इसको खोल लेंगे और दोनों साइड्स पर देखें एक निशान बना लेंगे कि हमें कितनी दूर पर इसे लगाना है यानी कि इसके बिल्कुल बीच में हमारा दो इंच का गैप आ जाएगा और आपको केवल इतना ही रखना है गाइल्स दोनों साइड्स पर हमने निशान लगा लिए अब देखिए कप्स के ऊपर भी आपको निशान लगाने हैं इस तरीके से कप को फोल्ड करेंगे बिल्कुल बीचों बीच में से और अगेन इसको इस तरीके से समोसे स्टाइल में फोल्ड करेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर पर एक निशान आपको लगाना है यहाँ पर उसके बाद में जो हम इसको रख के स्टिच करेंगे तो कपड़े का जो सीधा वाला साइड है उस तरफ आपको पैड को इस तरीके से रखना है और यहाँ पर जो हमने पॉइंट पर यहाँ पे एक निशान लगाया है इसको बिल्कुल देखिए नीचे की तरफ इस तरीके से दबा दीजिए और यहाँ पर हमारा टक आएगा इसके ऊपर आपको सिलाई लगानी है तो अभी मैं जब मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगी तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा उससे पहले हम अपने दोनों पार्ट्स में यहाँ पर अच्छे से प्लेट बना लेंगे जितनी लंबाई पर हमने निशान लगाया है वैसे ही दोनों साइड्स पर हमने ये प्लेट्स लगा ली हैं ये कपड़े का सीधा वाला साइड है इसको आपको इस तरीके से उल्टा कर लेना है और उल्टी वाली साइड की तरफ ही हम ये कप्स लगाएंगे तो देखिए कप आपको सीधा करके रखना है इस तरीके से दोनों साइड्स पर ये हमने जो निशान लगाए इस बार में थोड़ा सा गहरा कर दू जिससे कि नजर आए क्योंकि इसके बीच का जो गैप रखना है हमें वो दो इंच का रखना है और अब देखिए इसे हमें स्टिच कैसे करना है तो ये जो इसका पॉइंट आया है ये हमारी प्लेट का जो भी पॉइंट आया है उसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे ये हमने बीच सेंटर पे भी निशान लगा लिया था अब यहाँ पर आपको इस तरीके से इसको दबा देना है ये देखिए अभी यहाँ पर ऊपर आ रहा है हमारा बट इसको हम थोड़ा सा नीचे करते हुए ही लगाएंगे इससे मैं करीब एक इंच ऊपर रख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने एक इंच छोड़ा था तो बिल्कुल बस्ट पॉइंट जो है आपका वहीं पर आपको रखते हुए इसको आ, सिलाई लगानी है ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है इसलिए आप इसको जरूर अच्छे से देखें वरना अगर यहाँ पर आपकी गलती हो गई तो आपके कप जो है वो काफ़ी बार उल्टे लग जाते हैं तो जस्ट आपने सिंपल इस तरीके से रखा हुआ है ये सीधा करके रखा हुआ है जस्ट आपको इस तरीके से पॉइंट डाउन करना है और यहीं पर जहाँ हमारा बस्ट पॉइंट है वहाँ पर आप चाहे तो सुई से लगा सकते हैं टाका या आप मशीन से लगा सकते हैं अगर आप बिगनर हैं तो आप सुई से यहाँ पर कच्चा कर लीजिए उसके बाद में टाका लगा लीजिए तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली अभी मशीन से स्टिच करने वाली हूँ दोनों साइड पर हम ऐसे ही स्टिच करेंगे देखिए यहाँ पर बिल्कुल सीधा स्ट्रेट हमने यहाँ पर स्टिच लगाया अब इसको ऊपर की तरफ ऐसे आपको उठा देना है तो ये आपका बिल्कुल सीधा हो जाएगा और देखिए यहाँ पर हम साइड साइड में प्लेट्स इसलिए नहीं डालते क्योंकि ये जो हमारा कपड़ा है ये जो हमारा पैड है ये देखिए कपड़े को ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर ले लेता है अगर आप यहाँ पर प्लेट डालेंगे तो ये जो आप कप डाल रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं रहेगा और यहाँ पर बहुत ही कम आपका कपड़ा भी पड़ जाएगा इसलिए हम यहाँ पर केवल और केवल एक ही टक्स डालते हैं अब इसके ऊपर देखें ये हम लगाएंगे इस तरीके से इसका जो मेन फैब्रिक है वो लगाएंगे अगर आप यहाँ पर डबल लाइनिंग यूज कर रहे हैं तो लगाने का ये कप लगाने का तरीका आपका बिल्कुल सेम रहेगा बट जो हम एक अलग से लाइनिंग यानी कि अस्तर कट करेंगे उस उसको हमें इसके ऊपर पहले से ही जैसे नॉर्मल हम साइड से अस्तर, अस्तर अटैच करते हैं बिल्कुल वैसे ही अस्तर लगा कर ये प्लेट्स डाल लेनी है और अब देखें इसके ऊपर क्योंकि हमारा मोटा कपड़ा है इसलिए हमने सिंगल फैब्रिक यूज़ किया है अब देखिए इसको आपको स्टिच कैसे करना है जिससे कि ये जो हमारे कप्स हैं वो अंदर की साइड की तरफ चले जाएं अब देखिए दोनों कपड़ों को इस तरीके से पकड़ेंगे और नीचे से यहाँ से बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे इससे क्या होगा जो हमारे ये प्लेट्स हैं ये बिल्कुल एक बराबर आ जाएंगे और जो नीचे का कपड़ा है वो भी हमारा बिल्कुल बराबर आ जाएगा यानी कि छोटा बड़ा नहीं होगा और बाद में आपको तुरपाई का भी कोई झंझट नहीं रहेगा तो यहाँ पर बिल्कुल सीधी सिलाई लगाते हुए हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पर पलटते हुए ये कपड़े को ऊपर की तरफ पलट कर यहाँ पर सिलाई लगा दी है और अब आपको नीचे से भी बिल्कुल कोई फिनिशिंग अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये देख सकते हैं आप जो कप्स हैं वो भी बिल्कुल परफेक्ट आ गए हैं ये हमारे टक्स के ऊपर आए हैं कप और इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से कप्स लगा सकते हैं आप सिंपली यहाँ पर हम नेक बना लेंगे और जैसे हम अपनी स्लीव वगैरह सिंपली लगाते हैं बिल्कुल वैसे लगा लेंगे बैक इसका जो फ्रंट पार्ट है वो बंद रहता है बैक पार्ट से ये ओपन रहता है तो हुक और आई की जो पट्टी लगती है वो आपकी बैक साइड की तरफ ही लगेगी ये काफी लोग यहाँ पर पीछे वाली साइड पर यहाँ पर हमने केवल एक ही सिलाई लगाकर इसको रोका है तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर भी सिलाई लगाकर इसको रोकते हैं बट इसकी कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि आप यहाँ पर अलग से सिलाई लगाएं क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अच्छे से कवर कर लेता है पूरे कपड़े को यहाँ पर आप सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर प्लेट्स पड़ जाती हैं जो कि दिखने में ना बैक से अच्छी नहीं लगती उससे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता बट बैक से दिखने में वो बहुत ही ख़राब लगती हैं तो अब मैं इसकी पूरी फिनिशिंग कर लेती हूँ उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सो फ्रेंड्स ये देखिए जो हमारा ब्लाउज़ है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है और काफ़ी अच्छी फिटिंग आई है इसकी और देखिए इसके स्लीव्स पर मैंने कोई भी लेस नहीं थी तो मैंने यहाँ पर नोक वाली लेस लगा दी है और नीचे की साइड पर केवल एक ही टक्स डले हैं जो कि बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं हमारे कप्स के ऊपर और ये आप देख सकते हैं बैक पार्ट पे भी हमने केवल एक ही एक प्लेट डाली है और पीछे की तरफ से हमने हुक एंड आई की पट्टी लगाई है तो इस तरीके से हमारा पूरा ब्लाउज बनकर कंप्लीट हो गया है आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल ना भूलें मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बाय हाफिज़